नमस्कार दोस्तों, बाबा टेक्निकल नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइस, मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी, जो हमारी पिछली इन्वर्टर की वीडियो बनी थी उस पर 2.8 लाख व्यूज़ आ चुके हैं और उस पर इतनी ज़्यादा कमेंट्स आ रही है कि सर हमें फिर से इस वीडियो के बारे में बताइए और इसके ट्रांसफार्मर की जानकारी दीजिए। यानी कि जो सुकेम 800B की मैंने वीडियो बनाई थी इन्वर्टर की, तो उसका जो ट्रांसफार्मर है वो ये है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको ये ट्रांसफार्मर दिखा रहा हूँ, 17017 800BA का। तो गाइज, ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ये इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है और इसकी मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रही थी कि ये इस ट्रांसफार्मर को कैसे बना सकते हैं, इसकी पूरी फुल डिटेल और पूरी जानकारी बताइए। तो गाइज, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रांसफार्मर को आप कैसे बनवा सकते हैं। तो गाइज, इसको रख देते हैं पहले साइड में और इस ट्रांसफार्मर को आपको बनाने के लिए जो पूरी जानकारी है वो मैं आपको दूंगा। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर की पूरी जानकारी, 800 VA सुकेम जो इन्वर्टर आता था उस मॉडल की मैं पूरी आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है और इसका नंबर है 17017 और 800 VA का ये ट्रांसफार्मर है, 17017। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसको 17017 क्यों बोलते हैं और 800 VA ट्रांसफार्मर ये क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले गाइज, ये एल्यूमिनियम का ट्रांसफार्मर है। अगर आप चाहे तो कॉपर में भी बनवा सकते हो, बट ये एल्यूमिनियम का है और काफ़ी भारी और काफ़ी हैवी ड्यूटी होता है। तो सबसे पहले इसमें दो वाइंडिंग होती है, मैं आपको पूरा अच्छे से इसको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर ले प्राइमरी वाइंडिंग की। तो इसमें दो वाइंडिंग होती है, देखो यहाँ पे एक प्राइमरी और ये दूसरी वाली सेकेंडरी। हर ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा, ये स्टेप अप होता है और स्टेप डाउन भी होता है। ये दोनों तरीके से वर्क करता है गाइस, क्योंकि इन्वर्टर को चार्जिंग करना होता है बैटरी को, और जब मेंस आ जाती है तो मेंस पे भी इसको बैटरी को चार्ज करना होता है, और जब लाइट चली जाती है तो इसको स्टेप अप करना होता है, वोल्टेज को बढ़ाना होता है, यानी कि 230 वोल्टेज या 40 वोल्टेज बढ़ानी होती है। तो यहाँ पे गाइस देखिए, ये प्राइमरी साइड है और ये वाली है सेकेंडरी साइड। ये देखिए, ये सेकेंडरी साइड है। अब मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ, तो यहाँ पे गाइस देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है। प्राइमरी वाइंडिंग में आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो, ये सबसे पहला जो वायर है ये 255 वोल्टेज का है, यानी कि आउटपुट में हमें जो है 230 वोल्टेज हमें चाहिए होती है। वैसे तो यहाँ पे कई बार 270 भी होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि कई बार बैटरी जो है और लाइट के अकॉर्डिंग हम उस बैटरी से उतने वोल्टेज को सेट करके हम जो जितना आउटपुट चाहिए उतना ले सकते हैं। तो एडजस्टिंग की वजह से 255 दे रखा होता है, बट 255 का आउटपुट नहीं निकलता है, यानी हमें जो वोल्टेज चाहिए होते हैं घर के लिए, जो उपकरण होते हैं बिजली के, उनके लिए 230 या 240 वोल्टेज सफिशियंट होता है। तो यहाँ पर ये आउटपुट का वायर होता है, यानी कि जब इन्वर्टर चलेगा बैटरी मोड पे, तो यहाँ पे ये जो येलो वाला वायर है, हमें आउटपुट मिलेगा 230 या 240 वोल्टेज। सेकंड वाला जो ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाला जो वायर है ये चार्जिंग के लिए होता है, जो कि 140 वोल्टेज का होता है। यहाँ पे टेपिंग होती है, यानी कि यहाँ से वाइंडिंग अगर जीरो से स्टार्ट होगी, ये जीरो है, ये 140 है, ये 255। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये जीरो है, जीरो वोल्टेज। तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल मिलेगा एक तरीके से, यानी कि जीरो वोल्टेज मिलेगा हमें, यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा, यहाँ पे 140 और यहाँ पे 255 वोल्टेज। तो ये हमारी प्राइमरी साइड हो गई, ये हमारी प्राइमरी साइड हो गई। और सेकेंडरी साइड में देखिए, यहाँ पे अब आ जाते हैं हम सेकेंडरी साइड में। तो ये वाली जो है हमारी, ये सेकेंडरी साइड है गाइस, ये देख सकते हो 17017 और 800 VA का ट्रांसफार्मर, ये हमारी सेकेंडरी साइड है। अब मैं सेकेंडरी साइड में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे चार वायर निकलते हैं और जो वायर का गेज होता है वो होता है 12 SW, यानी काफ़ी मोटा वायर होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये इतना मोटा वायर होता है, देखिए 12 SW का, ये 12 SW का वायर है। तो ये वाला जो वायर है ये वाइंडिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसमें दो टर्न हमें एक, मतलब दो तारों को एक साथ हमें वाइंडिंग करनी होती है और 17 टर्न हमें लगाने होते हैं, 17 टर्न। तो यहाँ पे ये 17017, यानी कि इस वाले वायर से, यानी कि दो वायर एक साथ लेने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, एक दो, और ये दोनों वायरों को मैंने एक कर रखा है। देखो, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये एक और ये दो मैंने एक कर रखे है, एक दो, तो तीन हो गए और ये चौथा। तो मैंने क्या करा है, ये देखिए, दो वायर एक साथ यहाँ से वाइंडिंग करना स्टार्ट हुए और दो वायर ये रहे। तो दो वायरों को, यानी कि जो दो एक साथ हमने लिए उनको एक करके, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव हमें बैटरी की सप्लाई देनी होती है 12 वोल्ट। ये देखिए, जैसे कि मैंने ये वायर निकाल दिया है, दोनों वायरों को मैंने एक कर दिया है, ये देखिए आप,
ये दोनों वायरों को, यानी कि जो दो वायर एक साथ हमने वाइंडिंग करी थी, उन दोनों वायरों को एक साथ हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे उसको हमने सोल्डरिंग कर दिया है। यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगेगा। जो इन्वर्टर की प्लेट है उसके हीट सिंक के वायर वो यहाँ पे कनेक्ट होंगे, एक वायर यहाँ पे कनेक्ट होगा और एक यहाँ पे कनेक्ट होगा। चलिए अब मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस देखिए, अब मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ कि 800 बीए का ट्रांसफार्मर बनाने के लिए आपको क्या करना है। ये 800 बीए का ट्रांसफार्मर है और ये इसकी कोर है। कोर हमारी ई टाइप की होती है, यू टाइप की होती है और आई टाइप की होती है। तो चलिए देखिए, 800 बीए का ट्रांसफार्मर बनाने के लिए आपको इंट्रोड्यूसिंग अल्टियम डिजाइनर विच इज वन ऑफ द पीसीबी डिजाइनर सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। अल्टियम 365 वांट टू बी जॉब रेडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन, ट्राई अल्टियम स्टूडेंट लैब, यू गेट फ्री एक्सेस टू अल्टियम डिजाइनर एंड अल्टियम 365, सो यू कैन कोलोबरेट विथ योर मैट्स एंड अर्न ए सर्टिफिकेट दैट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय टॉप इंडस्ट्री इन इंडिया। इट्स ए ग्रेट वे टू बूस्ट योर स्किल्स एंड योर रिज्यूम। जस्ट एंटर योर यूनिवर्सिटी ईमेल टू गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। लर्न रियल स्किल्स दैट लीड टू रियल जॉब्स विद अल्टियम स्टूडेंट लैब। चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन ब्लो। दी फुल साइट एंड कई बेनिफिट्स कैन बी फाउंड हेयर दी इंक्लूडेड। अल्टियम स्टूडेंट लैब ऑफर अल्टियम डिजाइनर स्टूडेंट लाइसेंस एंड पी सी बी डिजाइन कोर्सेज, अल्टियम एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल करिकुलम एंड कोर्सेज सर्टिफिकेट। ऑल द लिंक्स आर प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन। मतलब चार नंबर कोर होती है, 3 इंच साइज होता है उसका, जो कोर है उसका साइज होता है 3 इंची। ठीक है गाइस, तो आपको 4 नंबर 3 इंच की कोर लगेगी और 17017 इसका नंबर होता है। और जो टर्न्स है वो 12SWG के, यानी कि 12SWG वायर का नंबर होता है। और दो वायर यानी जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, सबसे पहले सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में बता रहा हूँ। सेकेंडरी वाइंडिंग यानी जो मोटे वायर वाली होती है, तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो हमारी 17-0 यानी 17 टर्न लगेंगे और दो वायरों के, यानी दो मोटे वायर एक साथ, ये 17 यानी 17 टर्न लगेंगे हमारे। और ये 12SWG का वायर है यानी कि मोटा वायर है। और जो प्राइमरी साइड है, प्राइमरी साइड में हमारे 0 से 222 टर्न लगेंगे 21SWG, जो कि पतला वायर होता है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। देखिए, आउटपुट इन्वर्टर को चार्जिंग करनी होती है और आउटपुट भी देनी होती है। तो जब बैटरी मोड पे होता है तो उसको आउटपुट देनी होती है, और जब वो उसके अंदर एसी आती है यानी कि वोल्टेज, एसी वोल्टेज की सप्लाई आती है, तो बैटरी चार्ज करना इन्वर्टर स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले देखिए, 255 वोल्टेज का एक वायर निकला होता है। देखिए जैसे ये पीला वाला 255 वोल्टेज का, 255 वोल्टेज, 140 वोल्टेज और 0 वोल्टेज, इस पे हमें सप्लाई मिलती है आउटपुट उपकरणों को चलाने के लिए। ये चार्जिंग के लिए होता है और ये 0 वोल्टेज यानी न्यूट्रल के लिए। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे आप समझिए, देखिए 255 पे यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगी उपकरणों को चलाने के लिए, जब मेंस आ जाएगी और बैटरी मोड पे भी। 140 वोल्टेज पे जब इसके अंदर इन्वर्टर के अंदर एसी सप्लाई आती है, तो 140 वोल्टेज पे ये बैटरी को चार्ज करता है। यहाँ पे जो 255 वोल्टेज है और यहाँ से यहाँ तक, तो ये वोल्टेज क्या करती है, जल्दी चार्ज कर देगी बैटरी की। अगर हम 0 से 255 वोल्टेज चार्जिंग के लिए यूज़ करेंगे, तो बैटरी हमें कम से कम 18 से 20 घंटे हमें बैटरी को चार्ज करने में लग जाएंगे। तो 140 वोल्टेज की जो टेपिंग होती है, ये हमारी चार्जिंग के लिए होती है। ये हमारी कौन सी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग। और इधर आ जाइए, अब ये सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा जो है मोटा वायर यूज़ होता है, इसके लिए हमारा 21SWG का वायर यूज़ होता है प्राइमरी साइड के लिए। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि 12SWG के दो मोटे वायर, देखिए मैंने ग्रीन कलर और पर्पल कलर का इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए, ये दोनों के दोनों मोटे वायर है, चाहे आप कॉपर के ले सकते हो चाहे एल्यूमिनियम के। तो ये दोनों वायरों को लेके 17017 टर्न लगेंगे। कितने टर्न लगेंगे, 17 टर्न लगेंगे, ऐसे गोल गोल 17 टर्न लगेंगे। यानी कि दो वायर हमने एक साथ लिए इस तरीके से, मान लो मैं एग्जांपल भी समझा दूं, दो वायर है ये एक साथ, तो इन दोनों वायरों को हमें क्या करना पड़ेगा इस तरीके से, ये देखिए मैं ऐसे ऐसे गोल गोल इस तरीके से 17 टर्न लगेंगे। कितने टर्न लगेंगे, 17 टर्न, और ये दोनों वायर इस तरीके से बाहर। तो सेम वही मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग ये मैंने आपको समझाया है। तो 17 टर्न लगने हैं और ये सेकेंडरी वाइंडिंग में। अब हमें इनपुट कैसे देनी होती है बैटरी की, देखिए यहाँ पे जो दोनों मोटे वायर है, दोनों के दोनों वायर अलग अलग हैं, तो हमें जो एक ये वाला वायर है और एक ये वाला वायर है, कोई भी हमें दो वायर ले लेने हैं। जैसे इन दोनों को वायर हो, जैसे ये दोनों वायर है, इन दोनों वायरों को अलग अलग वाइंडिंग के दोनों वायरों को शॉर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट बैटरी की इनपुट देंगे यानी कि बैटरी को चार्ज करने के लिए। और बैटरी क्या करेगा, यहाँ पे सप्लाई देगा हीट सिंक को, जिससे एसी वोल्टेज बनेगा, यानी कि चार्जिंग के लिए भी और
हमें बैटरी की सॉरी इन्वर्टर के लिए भी यहाँ से ही ये दोनों वर्क करेगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे 12 वोल्ट देते हैं। अब बचे ये दो वायर, यहाँ पे हमारी जो इन्वर्टर की किट होती है, जो हीट सिंक होते हैं, हीट सिंक पे दोनों के दोनों जो ड्राइव होती है, जहाँ पे ये दोनों के दोनों कनेक्टर हमारे लग जाएंगे, यानी कि यहाँ पे हीट सिंक के वायर ये जो दो बचे हैं ये हीट सिंक पे लग जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। मेरी ये अच्छी लगी हुई जानकारी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इन्वर्टर की किट है, इसमें हम कौन सी किट का यूज़ करेंगे उसकी वीडियो मैं लेकर आऊँगा। तो गाइज़ यहाँ पे आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर के लिए जो डाटा होता है उसको आप किस तरीके से यूज़ करके एक इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को। मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।